I'm super excited to binge watch all my favorite movies and more. Subscribe to Shimaru Me. आज तक हमारी कंपनी में यूनियन नहीं बनी थी क्योंकि बाबूजी मजदूरों का हक उनके मांगने से पहले ही दे दिया करते थे। मजदूरों को अपने बच्चों से भी बढ़कर प्यार करते थे, वो उनके गमों में शामिल होते थे। और ये लोग बुजुर्गों पर कोड़े बरसा रहे हैं। सुलेमान भाई, अब हमें मजदूरों की यूनियन बनानी होगी। हाँ रवि भैया, खुदा का नाम लो, मजदूरों के हक का बोझ अपने कांधों पर उठाओ और कर दो ऐलान जंग। लगाओ नारा, मजदूर यूनियन जिंदाबाद, मजदूर यूनियन जिंदाबाद, मजदूर यूनियन रवि भैया जिंदाबाद, रवि भैया जिंदाबाद। मेरे गरीब मजदूर भाइयों, किसी भी जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना या अपने हक के लिए लड़ना यह हर इंसान का फर्ज होता है। किसी भी फैक्ट्री का मालिक किसी भी मजदूर पर कोई ऐसा नहीं करता। अगर वो मजदूरों को नौकरी देते हैं तो मजदूर भी उनके लिए अपना खून और पसीना बहाते हैं। इंसानियत के तराजू में दोनों बराबर के हिस्सेदार होते हैं। लेकिन इस कंपनी के मैनेजर ने मजदूरों की गैरत को ललकारा है। हम लोगों को इन्हें बताना होगा कि मजदूर का खून पसीना बनकर मशीनों के दामन में गिरने के लिए होता है, जख्मों से निकलकर नालियों में बहने के लिए नहीं। इन्हें इस खून का हर्जाना अदा करना होगा। जिन मजदूरों पर जुल्म किया है उनसे माफी मांगनी होगी, वरना आज से काम बंद, हड़ताल शुरू। मजदूर यूनियन रवि भैया, रवि भैया, मजदूर एकता। निकालो सालों का और अरे ये क्या कर रहे हो मेरा सामान देख रहे हो अरे ये क्या लोग कर रहे हो अरे तू मेरा सामान देख रहे हो अरे मेरा सामान लोग देखो अरे अरे क्या लोग कर रहे हो अरे ठहरो ठहरो कौन हो तुम लोग ये सामान हमारे क्यों फेंक रहे हो सब कुछ तुम लोगों को यहाँ से निकालने के लिए ये रहे कोर्ट के ऑर्डर्स अब ये मकान हमारा है ये मकान तुम्हारे कब से हो गया दरअसल हमें आज ही पता चला कि अपना घर हमारा अपना है और धनीराम जी के बेटे होने के नाते कानूनी तौर पर हम इसके हकदार हैं। अगर ये घर तुम्हारे पिता का है तो शायद तुम ये भी जानते होगे कि मैं तुम्हारे पिता की कौन हूँ। अरे जन्म चलो, मैं सब अच्छी तरह जानती हूँ तुम ये जुल्म क्यों कर रहे हो। मगर याद रखो, जिस तरह तुम इन लाचारों को बेघर कर रहे हो, कहीं भगवान तुम लोगों को बेघर न कर दे। हम तुम्हारी बकवास सुनने यहाँ नहीं आए हैं माँ। देख क्या रहे हो, सामान उठाओ और बाहर फेंको। रुक जाओ। अगर किसी ने सामान को हाथ लगाया तो हाथ तोड़कर फेंक दूंगा। ज्यादा बकवास मत करो, हम कोर्ट से ऑर्डर्स लेकर आए। मैं नहीं मानता इंसानी उसूलों को तोड़ने वाले इस ऑर्डर को। ये बेसहारा लोग यही रहेंगे और मैं कहता हूँ तुम दोनों से, हिम्मत है तो आओ। तुमने भी इसी माँ का दूध पिया है और मैंने भी, देखते हैं किसकी रगों में माँ के दूध की सच्चाई अभी जिंदा है। देख लो है? बदमाश को जल्दी आइए। ये तो अच्छा हुआ कि हम सही वक्त पर आ गए, नहीं तो यह राक्षस इन दोनों का गला दबाकर इनको जान से मार देता। ले चलो इसे, ले चलो। मेरा बेटा बेकसूर है, उसे छोड़ दीजिए। इंस्पेक्टर, अरे कसूरवार है या बेकसूर या अदालत ही बताएगी। तू चल अंदर बुढ़िया, मुझे जानना था। चलो अभी और इसी वक्त तुम लोग ये जगह खाली करो। चलो जल्दी करो, क्विक जल्दी। मैं ये जगह छोड़ने के लिए तैयार हूँ, मगर इन बेसहारों को यहाँ से मत निकालो। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। अरे क्या कर रही है माँ जी,
आप किन लोगों के सामने हाथ जोड़ रही हैं? फरिश्ते कभी शैतानों के आगे सिर झुकाते हैं क्या? कुत्ते की तरह क्यों भौंक रहे हो? हम कोर्ट से ऑर्डर लेकर आए हैं। कुत्ते वफादार होते हैं जनाब, और ये वफादार कुत्ता ऑर्डर का तोड़ के ऑर्डर लेकर आया है। क्या जी, अगर आपने बूढ़ों को हाथ लगाया तो आपके हाथों में हथकड़ी नजर आएगी, वो अच्छा लगेगा क्या? ठीक है, इस वक्त हम चले जाते हैं, लेकिन ये मत समझना कि हमसे जीत पाओगे, बहुत जल्द हमारी मुलाकात होगी। हाँ, इस धरती पर तो मुलाकात जरूर होगी, लेकिन ऊपर मिलने का कोई चांस नहीं, क्योंकि तुम यकीनन जहन्नुम में यानी नरक में जाओगे और मैं जन्नत में बैठा अंगूर खाता मिलूंगा मुफ्त में, फ्री ऑफ कॉस्ट। भाई उसको मिले दे मुसीबत को, चला जाए। क्या मुझे बात क्या भाई, ए ऑर्डर। आपकी कमजोर पत्नी के कांधों में अब दुखों का बोझ उठाने की शक्ति नहीं रही। पहले आप चले गए, फिर बहू बेटों ने मुंह फेर लिया। आपके उसूलों पर चलने वाला एक हमारा बेटा रवि था, उसे भी आज जालिमों ने पुलिस के हाथों कैद करवा दिया। अब मैं किसके सहारे जीऊं? ये मौत से बदतर जिंदगी अब मुझसे नहीं संभाली जाती। मुझे भी अपने पास बुला लीजिए, मुझे भी अपने पास बुला लीजिए। लक्ष्मी, मूर्ति की तरफ नहीं, जिंदा इंसान की तरफ देखो। लक्ष्मी, हमें लक्ष्मी का पति सीता का राम, मैं मरा नहीं, मैं जिंदा हूं लक्ष्मी। लक्ष्मी, बस लक्ष्मी बस, मैं तो आप जिंदा हैं। इस दुनिया ने मेरी मांग का सिंदूर क्यों उजाड़ दिया? सुहागन होते हुए मुझे विधवा क्यों बना दिया? क्यों? मौत ने तो बहुत मारने की कोशिश की लक्ष्मी, मगर जिंदगी और मौत को जन्म देने वाले की किताब में शायद मेरा जिंदा रहना बाकी था, इसलिए बच गया। दुनिया का हिसाब पूरा करने के लिए, गुमराहों को सही रास्ते पे लाने के लिए, गुनहगारों को सजा देने के लिए, और अपनी देवी जैसी पत्नी को दुनिया की ठोकरों से बचाने के लिए। क्या लक्ष्मी, न मत रो, मैं आ गया हूं, सब ठीक हो जाएगा। पर लक्ष्मी, इस राज को कुछ वक्त तक राज ही रहने देना, किसी भी जाहिर मत होने देना कि मैं जिंदा हूं और तुम सुहागन हो। चलो, तुम्हारी जमानत हो गई। ए? अरे अंकल, आप? यस माय सन, योर लर्नर अंकल हैज कम। माय सन, चल बेटा, आप गम वगैरह भूल जाओ और खुशी वगैरह शुरू करते हैं। कम, आजा बेटा। माँ, चुप हो जा बेटे, चुप हो जा, सब ठीक हो जाएगा, अब सब ठीक हो जाएगा। भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली, ये समझ ले अब हमारे दुखों का अंत हो गया है, अब सब ठीक हो जाएगा। यस माय सन, तुम्हारा लंदन वाला अंकल आ गया है, अब दुख वगैरह तुम दबा के भाग जाएगा। नाउ बी हैप्पी। चेहरे पे नकाब ओढ़ने से और आवाज बदलने से इंसान दुनिया की नजरों में छिप सकता है, बेटे की नहीं। याद है मैंने आपसे एक बार कहा था
कि मैंने अपनी कॉलेज की किताबों को कम और आपको ज्यादा, अपने गुरु समान बाप को ज्यादा पढ़ा। अरे मैं तो आपके सीने से लगते पहचान गया था कि मैं अपने बाप के सीने से लग गया। आप क्या चले गए बाबूजी, हमारी तो दुनिया ही पलट गई, अपने खून नहीं आके फेर लिए। सब जानता हूं देख, सब जानता हूं, लेकिन तू दिल छोटा मत कर बेटा। जिंदगी के इस तजुर्बे को हमेशा याद रखना कि जो लोग लालच की कश्ती में सफर करते हैं अपनों के लिए गैर हो जाते हैं, एक दिन वो लोग खुद दारों के हाथ से डूब जाया करते हैं। और अब हम लोग ऐसे लालची लोगों को, हमारा घर बर्बाद करने वालों को शराफत की जबान से नहीं, जूतों की जबान से सबक सिखाएंगे बेटा, जूतों की जबान से सबक सिखाएंगे। घबरा मत, माय चिल्ड्रन। अरे अंकल आप, कब आए? सेम ब्लडी ओल्ड क्वेश्चन, वही पुराना सवाल वगैरह, कब आए? अरे ये पूछो क्या लाए, ये रहे तुम्हारे लिए इंपोर्टेंट क्या? क्या हुआ अंकल? अरे गड़बड़ वगैरह हो गई, गिफ्ट देने के चक्कर में आई फॉरगॉट दैट माय ब्रदर मरीना मीनो एक्सपायर्ड, वो मर गया। बट पार्ट ऑफ द गेम, जो उगता है वो कटता है, जो उड़ता है वो गिरता है, जो पैदा होता है वो मरता है। डोंट वरी चैनल। ये कौन है, इसको पहले कभी देखा वगैरह नहीं? अंकल मैं डॉली का बड़ा भाई हूँ, मेरा नाम है डी ओ गोगी। डी ओ गोगी मीन्स डॉगी मीन्स कुत्ता। डॉगी नहीं अंकल, डी ओ गोगी, गोगी। बट शॉर्ट फॉर्म में डॉगी बहुत प्यारा लगता है। अगर तुम्हें ये नाम प्यारा है तो हम तुम्हें एक कुत्ते का पट्टा तोहफे में देते हैं। कुत्ते का पट्टा? हाँ, $3,500 का असली डायमंड वाला। बहुत लकी है, इसको पहन के हमने $50 million कमाया था। $50 million? यस, $50 million। बट वेर इज रवि, और तुम लोगों की जो माँ है वो कहीं नजर नहीं आ रही है। रवि ने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया अंकल, और जब उसकी पोल खुल गई तो वो हम पर बिगड़ गया, हमें गालियां देने लगा। और देखिए ना अंकल, माँ ने भी उसी का साथ दिया। हाँ। और दोनों घर छोड़कर भाग गए। वेरी सिली, वेरी सिली। मैंने तो उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की मगर वो रुके नहीं। मैंने तो माजू की पहुँच तक पकड़ लिए लेकिन वो मुझे ठोकर मारकर चले गए। वैसे एक बात कहूँ, ये जो तुम्हारा भाई रवि है ये बिल्कुल अपने बाप धनीराम पे गया है। तुम्हारे बाप से मेरी कभी नहीं बनती, दैट्स व्हाई वेंट अब्रॉड, कभी भी नहीं बनती, रवि से भी नहीं बनेगी। आई एम योर साइड, है ना, हम लोग एक जैसे हैं। बट तुम लोगों का बिजनेस वगैरह जो है वो कैसे चल रहा है? वो क्या बताएं अंकल, रवि ने वर्करों को भड़का कर फैक्ट्री में स्ट्राइक करवा दी। What? बात ये हुई अंकल कि गोगी भाई साहब ने कुछ बदतमीज वर्कर्स को पीट दिया था, अब वो कहते हैं कि हमसे माफी मांगो। डॉगी बेटे, वक्त वगैरह पड़ने पर गधे वगैरह को भी बाप वगैरह बना लेना चाहिए। जी इसलिए मैं कहता हूँ कि मजदूरों से माफी मांग लो, बल्कि उनके पैर वगैरह पढ़ लो, हार वगैरह पहना दो, बल्कि आरती उतार लो, क्योंकि एक बार मजदूर वगैरह पकड़ में आ गए तो रवि की तो ऑटोमेटिक हार हो जाएगी। क्या बोलते हो? फैंटास्टिक। वाह 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 आरती। टीका भूल गए? लगा दे। और जरा पेड़ा भी दीजिए। पेड़ा भी दे दे। पेड़ा 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 पेड़ा। आए लाए लाए लाए। अरे बाकी की छोड़ते हैं। मजदूर यूनियन जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद। मेरे प्यारे प्यारे मजदूर भाइयों, मैं आप सब मजदूरों से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। जो अत्याचार मैंने माधव काका के साथ किया है, इतना क्यों मार दिया, और इनके साथ किया है, मैं वादा करता हूँ कि वैसा अत्याचार मैं आप लोगों के साथ नहीं करूंगा। ये वो आदमी आप लोगों से माफी मांग रहा है तो कितना शर्मिंदा है। इसलिए मेरे प्यारे प्यारे मजदूर भाइयों, आप सब लोग अंदर चलो और अपना अपना काम संभालो। आओ काका,
आओ ना। हाँ हाँ रवि भैया कह रहे हैं अंदर जाओ काम शुरू करो। रवि भैया रवि भैया रवि भैया जिंदाबाद भैया जिंदाबाद भैया जिंदाबाद भैया जिंदाबाद भैया जिंदाबाद। तू धुआं हो गया क्या? इस हरामजादे रवि की वजह से हमारी इतनी बेइज्जती हुई है। मैं इसकी वो हालत करूंगा कि यह आइंदा कभी हमारे बीच नहीं आएगा। रवि भैया जिंदाबाद। बोलता जा रवि भैया जिंदाबाद। रवि भैया जिंदाबाद। आज जो कुछ भी मैं हूँ सॉरी ये धनीराम जी की बदौलत है, इसलिए मैं रवि और लक्ष्मी भाभी के लिए अपनी जान भी कुर्बान करने को तैयार हूँ। कहिए मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ? खिदमत यह है कि मेरे दो भतीजों की आंख में सुअर का बाल आ गया है। किसका बाल आ गया है? सुअर का बाल। हाँ। मेरे भाई धनीराम के मरते इन दोनों के पर निकल आए, उन परों को काटना है ना। उसके लिए मुझे क्या करना होगा? एक प्लान बनाया हमने, हमें कंपनी लॉन्च करेंगे। मैं क्या नाम बताया था मैंने उसका? महालक्ष्मी एंड कंपनी। महालक्ष्मी एंड कंपनी। तो आप महालक्ष्मी एंड कंपनी के मालिक की हैसियत से आगे आगे रहेंगे और मैं और रवि जो है वो पीछे पीछे रहेंगे ताकि दुनिया को पता ना चले कि इस पूरे जलजले की जड़ में हम दोनों हैं। तो फिर अजय और विजय की कंपनी को जो रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल जो लगता है वो आप सप्लाई करते हैं ना? हाँ। तो आज के बाद आप वो माल उनकी कंपनी को सप्लाई नहीं करेंगे बल्कि वो सारा माल जो है महालक्ष्मी कंपनी जो है वो खरीद लेगी आपसे। मगर अंकल उससे हमारा क्या फायदा होगा? मैं कुछ समझा नहीं भाई। ऐसा है मैं बोला हूँ ना, व्हाई डू स्पीक इन बिटवीन? कोशिश कर रहा था। ऐसा है कि रोटी किस चीज से बनती है? आटे से। राइट। अब जो बेकरी रोटी बनाती है उसको आटा ना मिले तो वो बेकरी चल सकती है? मैन व्हाट्स द प्रॉब्लम? यहाँ तुम लोग मुंह लटकाए बैठे हो, बाहर मजदूर लोग कार्ड वगैरह खेल रहे हैं और वो क्या बोलते हैं उसको गिल्ली डंडा खेल रहे हैं। आज कोई फेस्टिवल वगैरह है बोलो तो साथ में मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। सेलिब्रेशन कैसा अंकल, यहाँ तो माता मनाया जा रहा है। हमारी फैक्ट्री में माल बनना बंद हो गया है। क्यों? Why? माल बनाने के लिए कच्चा माल चाहिए ना, वो नहीं है। कच्चा माल? यू मीन रॉ मटेरियल? वो क्यों नहीं है? पहले तो बराबर हुआ करता था। बात दरअसल यह है अंकल कि महालक्ष्मी नाम की एक नई कंपनी है जिसने मार्केट से सारा रॉ मटेरियल खरीद लिया है जिससे हमारी कंपनी माल बनाती थी, इसलिए नो रॉ मटेरियल, हमारी कंपनी ठप। सेम ब्लडी ओल्ड प्रॉब्लम, वही पुरानी परेशानियां वगैरह। डोंट वरी अबाउट दिस, सेम प्रॉब्लम मेरे साथ लंदन में पेश आया था। तो फिर आपने क्या किया था अंकल? गॉड हैज गिवन मी दिस गॉगल्स। नॉट गॉगल्स, अकल, ब्रेन। ब्रेन ही। मैंने अकल का इस्तेमाल किया, दिमाग की तिजोरी में से वो आइडिया उड़कर बाहर आया और मैंने उसको यूज कर डाला। कैसा आइडिया बताइए ना अंकल। तुम अपने आदमी हो, मैं बिजनेस का सीक्रेट बता रहा हूँ, अच्छी तरह समझ लो, पर किसी को बताना नहीं। हाँ नहीं अंकल, बिल्कुल नहीं बताऊंगा, नहीं बताएंगे, किसी को नहीं बताएंगे। फॉर एक्सक्लूसिव क्लासिक मूवीज डाउनलोड शिमारू मी ऐप नाउ।